आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे वीडियो में। मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने पहले वीडियो में आपको 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे, मैं 17वें क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को किस प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, तो मैंने हर विषय से, हर टॉपिक से आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, आप सभी जानते हैं 3 पेपर हैं, तीनों पेपर से मैं क्वेश्चंस मिक्स्ड लेके चल रहा हूं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में आपको बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा स्टूडेंट, तो उस बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि जब जब मैं अपने वीडियो को डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन ऑन होगा, तो आपको मैसेज तुरंत चला जाएगा। तो आइए आगे हम चलते हैं बीएससी सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के आगे के क्वेश्चंस को लेकर के। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है, मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू। मैक्सिमम साइज जो क्यू की है वो 4 ऑप्शंस हैं, कैन बी चेंज्ड, चेंज किया जा सकता है, कैनॉट बी चेंज, चेंज नहीं किया जा सकता, इंडिपेंडेंट है, या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं, क्यू के बारे में आप जानते हैं स्टूडेंट, ये क्यू ये फीफो अरेंजमेंट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट, और इसके मैक्सिमम साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच डेटा स्ट्रक्चर allows deleting data elements from front and insert at rear। तो student, मैंने अभी इससे पहले question में ही अपने बताया कि Q जो है वो FIFO arrangement है, first in first out, यानी जो पहले in होगा वो पहले out होगा। It means कि Q means, Q का word meaning भी अगर मैं बताऊं student, Q means कतार, line, जो, और जब आप line में खड़े होते हैं तो लाइन में आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, किसी भी लाइन में खड़े हों, तो अगर आप सबसे आगे खड़े हों, तो किसी भी कार्य के लिए खड़े हों, तो सबसे पहले आपको अटेंड किया जाएगा, और जब आउट भी होंगे तो आप ही सबसे पहले आउट होंगे। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 18 में जो ऑप्शन है वो स्टैक, स्टैक लिफो अरेंजमेंट है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यू बी ऑप्शन इज द राइट आंसर स्टूडेंट, डी क्यू ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और बाइनरी सर्च ट्री भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रोसेस ऑफ एंक्यूइंग एन एलिमेंट इन अ फुल क्यू इज कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट, जो आप फुल क्यू में, यानी क्यू में, अगर क्यू की, देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कोई क्यू क्रिएट करते हैं या स्टैक क्रिएट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर द साइज ऑफ दैट क्यू। हमको एक साइज डिक्लेयर करनी है कि 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, 25 एलिमेंट, 50, 100, जो आप एक साइज डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, और वो साइज डिक्लेयर करने के बाद से हाउ मच साइज यू हैव डिक्लेयर्ड, इफ द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट यू हैव इंसर्टेड इन दैट क्यू, एंड आफ्टर दैट इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट द एलिमेंट, देन वॉट विल बी दैट सिचुएशन, दैट सिचुएशन विल बी द ओवरफ्लो सिचुएशन। इसलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी, ओवरफ्लो होगा, ए अंडरफ्लो नहीं हो सकता। अंडरफ्लो का मतलब है स्टूडेंट कि जब आप डिलीट करना चाहते हो एलिमेंट, डिलीशन के दौरान, और उस समय डिलीट करने के दौरान इफ यू हैव डिक्लेयर द साइज ऑफ क्यू इज 5 और एक भी एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है, इट मींस क्यू पूरी पूरी खाली है, तो आप किस एलिमेंट को डिलीट करोगे, देयर इज नो एनी एलिमेंट टू डिलीट, तो दैट सिचुएशन विल बी द अंडरफ्लो। तो इसलिए यहां जो बी इज द राइट आंसर, ओवरफ्लो इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, अ नॉर्मल क्यू इफ इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स अंडरस्कोर साइज गेट्स फुल व्हेन, मतलब कि अगर आपने एक नॉर्मल क्यू, जैसा कि अभी मैंने ऊपर ही पूरा डिस्कस कर दिया स्टूडेंट, क्यू को लेकर के और साइज को लेकर के और मैक्सिमम साइज को लेकर के, यहां मैक्स साइज वेरिएबल है, इट मींस कि आप क्यू एक क्रिएट कर रहे हो, एक नॉर्मल क्यू यूजिंग एरे, एरे आप एरे की परिभाषा पिछले क्लासेस में ही मैंने डिस्कस की थी, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप दैट आर स्टोर्ड एट अ कंटिगियस एलोकेशन। तो यहां आपने एक मैक्स साइज डिक्लेयर कर दी है, और वो
फुल हो जाती है। कब फुल हो जाती है? जब आप यहां जानते हैं स्टूडेंट कि जब हम क्यू को हैंडल करते हैं तो यहां फ्रंट एंड रियर दो तरह के वेरिएबल लेके हैंडल करते हैं स्टूडेंट। तो फ्रंट फ्रंट लीड करता है और रियर उसके पीछे चलता है स्टूडेंट। तो रियर मीन्स जस्ट पहले, रियर फ्रंट के पीछे। इट मीन्स कि अगर यहां रियर की साइज मैक्स साइज माइनस वन हो जाती है, मैक्स साइज माइनस वन, यहां स्टूडेंट मैक्स साइज माइनस वन कहने का पर्पज यहां ये है क्योंकि हम एरे के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्यू को, और आप सभी को मालूम है कि एरे की जब इंसर्शन आप स्टार्ट करते हो तो फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर मान लिया फॉर एग्जांपल आपने मैक्स साइज जो यहां डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट दैट इज 10, इसका मतलब क्यू में जो एलिमेंट इंसर्ट होंगे यूजिंग एरे वो फ्रॉम 0 to 9 होंगे, यानी मैक्स साइज माइनस 1 होगा। तो यहां अगर बात आती है कि क्यू कब फुल होगा, तो जब रियर की वैल्यू मैक्स अंडरस्कोर साइज माइनस 1 होगी, देन वी कैन से दैट दैट क्यू इज फुल। तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स इन एरे आर असेस्ड। जो एलिमेंट एरे के होते हैं स्टूडेंट, हाउ यू विल असेस मींस इफ यू वांट टू गेट दैट एलिमेंट, तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स अवेलेबल थ्रू दैट यू कैन असेस दैट एलिमेंट्स। तो यहां ऑप्शंस दिया हुआ स्टूडेंट, ए रैंडमली असेस कर सकते हैं, बी सीक्वेंशियली असेस कर सकते हैं, सी एक्सपोनेंशियली, एंड डी जो है लॉगरिथमिकली। तो स्टूडेंट हम यहां एरे के एलिमेंट्स को रैंडमली असेस कर सकते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डेटा स्ट्रक्चर वुड यू मोस्टली लाइकली सी इन अ नॉन रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ रिकर्सिव एल्गोरिदम। कौन सा वो डेटा स्ट्रक्चर है जो आप ज्यादा से ज्यादा पाते हैं कि नॉन रिकर्सिवली मतलब उसको इंप्लीमेंट किया सकता है ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव एल्गोरिदम का नॉन रिकर्सिवली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां आपके पास देखिए लिंक लिस्ट है, स्टैक ऑप्शन है, क्यू है एंड ट्री। तो स्टूडेंट यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही रेड मार्क से उन हाईलाइट कर रखा है आंसर्स को। तो यहाँ बी स्टैक इज द राइट आंसर। लिंक लिस्ट क्या है स्टूडेंट? लिंक लिस्ट आप सभी को मालूम है, मैंने बताया भी है, आगे लिंक लिस्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस मैं डालूंगा। लिंक लिस्ट जो है स्टूडेंट, ये हम इस ये भी एक प्रोसीजर है थ्रू विच वी कैन इंप्लीमेंट आवर नोड्स बाय यूजिंग एड्रेस फील्ड एंड डाटा फील्ड। इट मींस स्टूडेंट की जब हमारे पास कंटिग्यूअस एलोकेशन में मेमोरी अवेल नहीं है और हम रैंडमली अपने जो हमारा एलिमेंट है उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे में यानी नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन में स्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे में होगा क्या स्टूडेंट कि हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और लिंक लिस्ट में यहाँ हम नोड क्रिएट करते हैं स्टूडेंट। और आप सभी जानते हैं लिंक लिस्ट में टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट इज अवेलेबल, डबली लिंक लिस्ट इज अवेलेबल, सर्कुलर लिंक लिस्ट अवेलेबल। तो बहुत डिटेल में जाएंगे तो टाइम टेकन प्रोसीजर होगा स्टूडेंट। तो यहां मैं आपको बता दूं कि लिंक लिस्ट की बात अगर हम करें तो लिंक लिस्ट में हम दो बातों को ध्यान में रखते हैं कि फर्स्ट वन इज डाटा फील्ड यानी डाटा वैल्यू स्टोर करते हैं, एंड सेकेंड वन इज एड्रेस फील्ड। इट मीन्स कि अगर फर्स्ट नोड है उसमें आपने डाटा वैल्यू स्टोर कर दी तो उसके एड्रेस फील्ड में अगले नोड का एड्रेस फील्ड होल्ड होगा, उसके बाद अगले एड्रेस का होल्ड होगा, जब तक कि हम लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते स्टूडेंट। लास्ट नोड में अगर सिंगली लिंक लिस्ट है तो नल वैल्यू स्टोर करते हैं, डबली लिंक लिस्ट के केस में हम लोग दो एड्रेस फील्ड होल्ड करते हैं स्टूडेंट, जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का एड्रेस होल्ड करते हैं, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट की तरह हम लोग नेक्स्ट एड्रेस होल्ड करते जाते हैं। बस डिफरेंस ये है कि सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में हम नल वैल्यू स्टोर करते हैं, बट सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में हम फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा स्टैक, क्योंकि स्टैक ही वो डाटा स्ट्रक्चर
का हिस्सा है जिसे हम लोग ज्यादातर जो है नॉन रिकर्सिवली इम्प्लीमेंटेशन में यूज करते हैं स्टूडेंट रिकर्सिव एल्गोरिदम के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, अ बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज आइदर जीरो और टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड, यानी बाइनरी ट्री की परिभाषा, मैंने बाइनरी ट्री को ज्यादातर कंपैरिजन में स्टूडेंट कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री करके एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझाया भी है मैंने। तो यहाँ बाइनरी ट्री कह रहा है कि बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज आइदर जीरो, उसके हर एक नोड के पास या तो जीरो हो या दो चिल्ड्रन हो, तो ऐसे ट्री को, बाइनरी ट्री को क्या कहेंगे? तो ऐसा बाइनरी ट्री स्टूडेंट कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। तो बाइनरी सर्च ट्री नहीं कह सकते इसको, क्योंकि पहले ही बता दिया स्टूडेंट ये बाइनरी ट्री है, और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री भी नहीं कहेंगे, और नन ऑफ द अबव आंसर नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। अब स्टूडेंट अगर कोई लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में हर एक एलिमेंट्स को आप एसेस कर रहे हो, तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो जनरली आप अगर एक ट्री का एग्जांपल लेते हैं, ट्री स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, और एवरी नोड हैव सम वैल्यू एंड वी हैव टू गेट दैट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हमको हर नोड की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो क्या करेंगे, हर एक नोड को विजिट करेंगे और वहां से वहां पर उस नोड पर मौजूद एलिमेंट को एसेस करेंगे स्टूडेंट। तो ऐसे में क्या होगा, अगर पूरे ट्री के पूरे नोड्स को हम की वैल्यू को हम एसेस करना चाहते हैं, तो हर एक नोड को विजिट करेंगे, तो ये प्रोसीजर कहलाता है स्टूडेंट ट्रेवर्सल। तो 24 का डी विल बी द राइट आंसर, ट्रेवर्सल, क्योंकि इसको शॉर्टिंग नहीं कहते, हम शॉर्ट करने नहीं जा रहे। शॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को शॉर्ट करना, मर्जिंग, मिक्स करना, मर्ज करना, ऑलरेडी कोई एक लिस्ट है उस लिस्ट में कुछ और लिस्ट लगा के मिक्स करना, तो हम मर्ज भी करने नहीं जा रहे, और इंसर्टिंग यानी एलिमेंट इंसर्ट करना यानी पुट करना, तो यहाँ हम पुट नहीं कर रहे हैं एलिमेंट, कोई नया इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हर एक नोड को विजिट कर रहे हैं और वहां पर मौजूद एलिमेंट की वैल्यू को एसेस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट, व्हाट इज शॉर्ट इंटीजर इन सी प्रोग्रामिंग। ये बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन मैंने पहले भी कहा था पिछली क्लासेस में कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो बहुत आसान क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो सीधे शॉर्ट इंटीजर सी प्रोग्रामिंग में बेसिक डेटा टाइप ऑफ सी नहीं है, ये है बी, क्वालिफायर है, ये क्वालिफायर है स्टूडेंट, शॉर्ट इज क्वालिफायर एंड इंटीजर इज बेसिक डेटा टाइप, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता स्टूडेंट। शॉर्ट इंटीजर हम पूरा पूरी बात करेंगे, शॉर्ट इंटीजर सी प्रोग्रामिंग में ये क्वालिफायर है, तो हम सही उत्तर है क्वालिफायर। देन नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ क्यू इज नोन एज, यानी वो प्रक्रिया जिसके थ्रू हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ क्यू, क्यू के एंड में, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्टूडेंट एन क्यू कहते हैं। ये सीधे सीधे परिभाषित कर रहा है, उस परिभाषा की बात कर रहा है, तो इसको डी क्यू नहीं कहते हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशन क्यू में नहीं होता है, ये स्टैक में, स्टैक के ऑपरेशन है, इसलिए बी इज द राइट आंसर, एन क्यू। देन क्वेश्चन नंबर 27, डेटा टाइप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ, तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी फिर से सिंपल क्वेश्चन आया, इसे कहते हैं हम प्रोग्राम, यानी डेटा टाइप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डेटा टाइप जो है ये क्लासिफिकेशन है, और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक प्रोग्राम में वो कंक्लूड करता है, ये लिंकर की तरह नहीं है, कोड तो सभी कोड है, और नन ऑफ द अबव आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोग्राम इज द राइट आंसर, जहां पे हम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट। Now next question is 28. What is the most appropriate data structure to print element of queue in reverse order? मतलब कि क्या appropriate data structure होगा कि अगर हम element of queue, queue के element को reverse order में print करना चाहते हैं, तो student आप जानते हो कि queue का जो order है वो first in first out है,
तो उसके रिवर्स में ऑर्डर क्या होगा, तो रिवर्स ऑर्डर होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। और लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी यहाँ लिफो की बात आ रही है, और लिफो की जब बात आ रही है इट मींस कि स्टैक इज द अरेंजमेंट दैट फॉलोज द लिफो अरेंजमेंट। तो यहाँ ए ऑप्शन स्टैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एन क्यूब ऑपरेशन ऑन एन इनिशियली एम्प्टी क्यूब। स्टूडेंट ये सिंपल आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके सिलेबस का ऐसा नहीं है कैलकुलेशन, तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड्स इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि किसी भी कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम हैंडल कर रहे हैं या क्यू को हैंडल कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट, तो दैट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब यहां हम क्या करें, वर्स्ट केस क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा सीक्वेंस ऑफ एन क्यू ऑपरेशंस का ऑन एन इनिशियली एम्प्टी क्यू, मतलब शुरुआत एम्प्टी क्यू के शुरुआत से। तो ये स्टूडेंट आपका जो आंसर है ए ऑप्शन क्यू ऑफ एन इज द राइट आंसर, इसको आप याद कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो। और इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के भी और अन्य क्वेश्चन मैं आगे के अपने वीडियोस में लेके आऊंगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर टाइप। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग लिस्ट एंड क्यू। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, स्ट्रिंग लिस्ट एंड क्यू ये तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शंस ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, लीनियर टाइप हैं डेटा स्ट्रक्चर के, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31, क्यू वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड्स, मतलब ऐसा क्यू जहां इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म हो रहा है दोनों एंड से, तो ऐसे क्यू को क्या कहेंगे, क्या ऐसे क्यू को सर्कुलर क्यू कहेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। डबली सर्कुलर क्यू कहेंगे, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट सी इज द राइट आंसर, डबल एंडेड क्यू। माने देखो आप वर्ड मीनिंग से भी आप हैंडल कर पा रहे हो, जो बात ही कर रहा है इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड दोनों एंड से, तो डबल एंडेड क्यू है, तो इसलिए सी विल बी द राइट आंसर, डबल एंडेड क्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, यूनिवैक, यूनिवैक का फुल फॉर्म जनरली आप स्टूडेंट मशीन के बारे में या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें अलग अलग कंप्यूटर्स की बात हमने की, यहाँ यूनिवैक का फुल फॉर्म की बात कर रहा है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा स्टूडेंट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसे याद कर लेना होगा आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनियाक, यूनिवैक, आईबीएम, जैसे आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस तरह के भी फंडामेंटल क्वेश्चन मशीन लैंग्वेज के दौरान फर्स्ट जनरेशन से लेके फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन तक या सुपर कंप्यूटर कौन कौन से आए, तो ये भी आप बेसिक क्वेश्चंस को जरूर अटेंड कर लेंगे इस पोर्शंस को स्टूडेंट, उसमें से एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ तो ये आप तैयार कर लेंगे, तो हो सकता है इनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं स्टूडेंट।